इस की देख रेख में सीबीआई जांच हो, लेकिन सीबीआई जांच करने से सरकार कतरा रही है और उन चेहरों को बेनकाब नहीं करना चाहती है जो वास्तव में आज भी पर्दे के पीछे हैं। एक बार फिर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोल दिया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल अल्मोड़ा में कांग्रेस के 6 पर्वतीय जिलों के पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमे प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में सभी जिलों से आए जिलाध्यक्षों, पीसीसी अध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों ने बैठक में अपनी बात रखी। इस दौरान प्रदेश में संगठन की मजबूती पर जोर दिया गया। वहीं बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य मीडिया से मुखातिब हुए। यशपाल आर्य का कहना है कि उत्तराखंड सरकार सीबीआई जांच न कराकर गुनहगारों को बचाने का काम कर रही है। साथ ही उनका कहना है कि लगातार कांग्रेस ने बेरोजगारों की लड़ाई लड़ी है। यशपाल आर्य की मांग थी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की देखरेख में सीबीआई जांच होनी चाहिए, मगर अभी तक इस मामले की सीबीआई जांच नहीं हुई है, जिस पर यशपाल आर्य ने सरकार को घेरते हुए कहा कि सीबीआई जांच से सरकार डर रही है और उन चेहरों को बेनकाब करना चाहती है जो आज भी पर्दे के पीछे है। आप खुद ही सुन लीजिए। लगातार बार बार कांग्रेस ने बेरोजगारों की लड़ाई लड़ी है। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग और जो विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से परीक्षाएं आयोजित की गई विगत वर्षों में, हमने कहा कि इसमें भर्ती घोटाला जाहिर हो चुका है और एसटीएफ ने कार्रवाई भी की है। उसके नतीजे क्या हैं? आज सरकार के पास जवाब नहीं है। जितने भी अभियुक्त थे, जो मास्टरमाइंड थे, वो बेल आउट हो चुके हैं, जमानत हो चुकी है, जेल की शिक्षों से बाहर हैं। हमारा कहना था कि माननीय उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश की देखरेख में सीबीआई जांच हो, लेकिन सीबीआई जांच करने से सरकार कतरा रही है और उन चेहरों को बेनकाब नहीं करना चाहती है जो वास्तव में आज भी पर्दे के पीछे हैं। ये नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, धोखा है, छल है और दिखावा है कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही, सब बचाना चाहती उन लोगों को जो सरकार के महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि बैठक में प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि देश के पहले गांव माणा से उत्तराखंड राज्य की भारत जोड़ो यात्रा 7 नवंबर को शुरू होगी, जिसके लिए प्रत्येक ब्लॉक से 2 लोगों को चुना जाएगा। इसके साथ ही इस यात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में हुए भर्ती घोटालों को लेकर सरकार को घेरने का काम करेगी। बहरहाल सरकार ने अभी तक भर्ती घोटालों पर सीबीआई जांच के आदेश नहीं दिए हैं। अल्मोड़ा से संजय सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड।